Assalamualaikum and welcome back to my channel. I hope कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे. यहाँ पे भी सब ठीक ठाक है. और आज हम घूमेंगे लाहौर और मैं आपको बेस्ट प्लेसेस दिखाऊंगी लाहौर की जो वाकई देखने वाली हैं. हमारा जब पाकिस्तान जाने का प्लान बन रहा था ना, तब मैंने सोचा था कि कुछ जगहों पे ज़रूर लेके जाऊंगी बच्चों को. तो सबसे पहले तो हम आए अमान के स्कूल. ये वो स्कूल है जहाँ से अमान ने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ किया था और 2 ईयर्स गया था वो स्कूल में. स्कूल का नाम है द लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम. ये लाहौर गुलबर्ग में है. लाहौर में जितने भी स्कूल हमने देखे, मुझे सबसे बेस्ट लगा था ये अमान के लिए, तभी मैंने उसका एडमिशन यहाँ पे करवाया था. और इंशाल्लाह जब भी हम मूव होंगे पाकिस्तान तो हमारे बच्चे इसी स्कूल में ही जाएंगे. वो इसलिए क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत हाई है और अच्छी बात यह है कि इनकी फ़ीस जो है ना वो अफोर्डेबल है. तो आप भी अगर अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं जो अफोर्डेबल भी हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन. मैं सिर्फ इसलिए प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा है. आपको अमान का स्कूल अली? अमान को बहुत अच्छा लगा अपना पुराना स्कूल देख के और सारी पुरानी बातें उसको याद आ रही थी. और अली ने तो खूब इंजॉय किया राइड्स पे. तो बस हम उसके बाद चले गए थे कजाफी स्टेडियम. वहाँ से हमने टूरिस्ट बस के टिकट्स बाय करनी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिली. तो हमने डिसाइड किया हम कार्स पे ही जाएंगे. तो बच्चों को दाता दरबार दिखाते हुए हम चले गए थे मीनारे पाकिस्तान. टाइम शॉर्ट था और चीज़ें बहुत सारी थी देखने वाली, तो बस जल्दी जल्दी से ही हमने सारा कुछ जो है ना कवर किया. और इसका सारा क्रेडिट जो है ना वो किसको जाता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी. तो जनाब हम लोग जा रहे हैं बच्चों को मीनारे पाकिस्तान दिखाने के लिए. और अच्छी बात ये हुई कि हम जैसे ही एंटर हुए ना, सामने ट्रेन थी और वो जाने ही वाली थी, हमने रोका उसको और उसमें बैठ के और फ़ौरन से हम जो है ना वहाँ पर पहुँच गए. अच्छा, ये जो म्यूज़ियम आप देख रहे हैं ना, इसमें इतनी कीमती चीज़ें हैं हिस्ट्री से रिलेटेड. मेरी भाभी बता रही थी मुझे कि जब पाकिस्तान बना था और उस टाइम पे जो जो लोगों के साथ हुआ उनकी रियल स्टोरीज़, रियल ऑडियो इसमें अवेलेबल है और आप जाके वो सुन सकते हैं हेडफोन से. और भी बहुत कुछ है इसके अंदर. आई विश के हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होता तो हम अंदर भी जाके हर चीज़ को देखते. तो बस यहाँ पे अब मीनारे पाकिस्तान के पास हम पिक्चर खिंचवा रहे थे जो कि खिंचवानी बनती थी. राजा रंजीत सिंह की मड़ी जहाँ उनको आफ्टर डेथ चलाया, जब इनको डेथ चलाया. कुकीज़ किधर हैं? चलो बहुत. हम लोग अकेले नहीं गए थे बल्कि पूरा ग्रुप था हमारे साथ और बहुत अच्छी कंपनी रही. अभी दिखाऊंगी आपको. तो सबसे ज़्यादा इंजॉय तो अली ने किया. सबसे पहले तो इसने कहा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कोई स्नैक्स लेके दो. और बाय चांस इस बार मैं कुछ भी नहीं लेके गई थी खाने पीने के लिए, वरना यूजुअली जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ घर से बच्चों के स्नैक्स वगैरह साथ लेके जाती हूँ. इस बार क्योंकि एक दिन पहले ही मैं आई थी मुल्तान से वापस, बल्कि रात में आई थी कोई 3-4 बजे, और नेक्स्ट डे हमने जो है ना जाना था यहाँ पर. तो पहले से ही प्लान था ये सारा कुछ और सिर्फ 2 दिन रहते थे हमारे वापस जाने में. तो इस दिन जो है ना बस बहुत सारा बर्डन था, बहुत सारे काम थे. थोड़ा रिलैक्स हो गए थे हम यहाँ पे जाने के बाद, वरना तो टेंशन होती ना ट्रैवल करने के भी आपको. और ये 1860 के अंदर इसको बनाया गया है. ये रंजीत सिंह ने बनाई थी. रंजीत सिंह ने जब गोल्डन टेम्पल मुगलों से लिया था ना, तो उसकी खुशी के अंदर उसने ये बिल्डिंग को तमीज करवा दिया. और बैक साइड अगर आपको नजर आ रही हो तो वो गुरुद्वारा बना. इस गुरुद्वारे के अंदर 39 के अंदर ये लोकेशन, 16 के अंदर ये लोकेशन है. डिफरेंट टाइम है. अब 10 मिनट है. पहले आपको मैंने म्यूजिक. अब मैं आपको लेके चलती हूँ बादशाही मस्जिद. और ये इतना खूबसूरत व्यू था ना, मतलब वीडियो में तो वो चीज़ आ ही नहीं रही जो रियल में लग रहा था. और ये पूरे 30 पारे हैं जी. 10 साल टाइम में मुकम्मल हुए और अब हम दुनिया फानी से पर्दाफाश कर गए. और इधर आगे हैं ये नाम है इसको, मतलब के जो भी मालियत लगी लगवाई. और इसको आर्किटेक्ट जो किया है वो अवैस जवेद बर्नी अनारकली के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसको बनाया. ठीक है जी. आगे मस्जिद में एंटर होने से पहले ना हमने शूज़ उतार दिए थे बाहर. और गर्मी इस कदर ज़्यादा थी लाहौर में कि ज़मीन अच्छी खासी गर्म थी. अब बच्चे जो हैं वो नंगे पांव फर्स्ट टाइम चल रहे थे और इतनी गर्म ज़मीन थी कि इनको लग पता गया.
अब मैं क्योंकि पूरी तैयारी के साथ भी नहीं आई थी, वरना एक्स्ट्रा सॉक्स साथ लेके आते इनके, लेकिन अच्छा ही हुआ कि नहीं लाई। एटलीस्ट इस तरह से इन्होंने एक नई चीज़ एक्सपीरियंस की। और जब ये मुझे कंप्लेन कर रहे थे ना कि हमारे पाँव जो हैं वो जल रहे हैं, बहुत गर्म ज़मीन है, तो मैं इनको यही बता रही थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो शूज़ बाय कर सके, तो वो नंगे पाँव ही चलते हैं सड़कों पर, पथरीले रास्तों पर और गर्म ज़मीन पर। हम इंसान असल में भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी हैं, और इस तरह की चीज़ें जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है, आप रियलाइज़ करते हैं। खैर बातें बहुत हो गई, अब जो है ना फ़न पार्ट शुरू होने वाला है, तो रेडी हो जाए उसके लिए। और हम जा रहे हैं फोर्थ स्ट्रीट, यहीं से ही इसका रास्ता था, गेट से हम एंटर हुए हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी फूड स्ट्रीट, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आई विश कि मैं पहले गई होती तो एक दो बार दोबारा मैं ज़रूर जाती, क्योंकि ये जो जगह थी ना ये देखने वाली थी, आपको इतना अच्छा फील आता है। और हर चीज़ थी यहाँ पे, खाने पीने की तो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी ही, इसके अलावा सारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से ली थी, कुछ गिफ्ट्स लिए थे, और उसके बाद जो है ना बच्चों ने कॉटन कैंडी लेनी थी, तो ये भी उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से देखा कि किस तरह से ये बनती है। यहाँ पे इतना कुछ था ना एक्सप्लोर करने के लिए कि आप बोर तो हो ही नहीं सकते। और मैं तो बार बार यही सोच रही थी कि मैं पहले क्यों नहीं आई यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं पहले जाती तो मैं एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर जाती जाने से पहले। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया था यहाँ फूड स्ट्रीट में आके। पहले वाली चीज़ें थोड़ी बोरिंग थी उनके लिए, लेकिन जाहिर है वो हमारी हिस्ट्री है, वो सब भी बच्चों को दिखाना और बताना ज़रूरी था। तो बस यहाँ पे जो है ना वो अर्तुगरुल गाज़ी की कुछ चीज़ें और वो काई कबीला वो सब जो है ना मुझे याद आ रहा था ड्रामा, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। रेस्टोरेंट्स तो बहुत सारे थे यहाँ पे, और जो स्ट्रीट फूड था ना वो तो कमाल था। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो था पापिट शो। ये ना बादशाह के महल की एक पूरी स्टोरी थी जो कि वो लेडी बहुत अच्छे तरीके से सुना रही थी, तो आप खुद सुने और एंजॉय करें। कौन सा जवान? ये आ गया धोबी अकबर बादशाह का। धोबी अकबर बादशाह ने कपड़े धोने के लिए धोबी, यहाँ बहुत पपेट शो देखने के बाद हम लोग आ गए थे हवेली। ये एक रेस्टोरेंट है जो कि पुरानी बिल्डिंग को ही ना रिमॉडल करके उन्होंने बनाया हुआ है, तो जैसे जो चीज़ थी ना उसको वैसे ही प्रिजर्व किया है, और बहुत ही आउट क्लास किस्म का है। और खाना भी अच्छा था, मैं भी आपको दिखाऊंगी। व्यू बहुत अच्छा था, मतलब कमाल का था। यहाँ पे बहुत से सेलिब्रिटीज़ और सारे फेमस लोग जो है ना वो आए हुए हैं, और सबकी पिक्चर्स भी यहाँ पे लगी हुई थी वॉल पे, तो लाइट थोड़ी सी डिम थी इसलिए आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। खैर हम लोग गए थे रूफ टॉप पे, हवा बहुत अच्छी चल रही थी ऊपर, और जब लाइव अजान सुनी वहाँ पे तो बहुत अच्छा लगा सुन के।
यहाँ पे हमारा ऑर्डर भी आ चुका है, सबने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर की थी। मैंने तो तवा चिकन ऑर्डर किया था जो कि स्पाइसी और मज़े का था, और अमान ने काबली पुलाव लिया था। नान इनका बहुत स्पेशल था, आई थिंक ये शाही नान था, बहुत ही बड़े साइज़ का होता है और इसमें ना सारे फ्लेवर्स होते हैं, मतलब अचारी भी और डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मुझे तो भूल भी गया है। अली ने तो न्यूटेला नान खाया था और वो उसको बहुत पसंद आया था, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे साथ कौन कौन गया था। सबसे पहले तो ऑरेंज और ब्लैक ड्रेस में मिस शाजिया मुस्तफ़ा, जिन्होंने हर चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में हमें दिखाई और बताई, और उनके साथ हैं मेरी प्यारी जिठानी मिस नरजिस ज़ाहरा, और उनके साथ जो प्यारी सी लेडी बैठी हैं मस्टर्ड ड्रेस में, ये हैं मिस शाजिया खुरम, और इन्होंने ही हमें इनवाइट किया था। इन्हीं की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ कि बच्चों ने बादशाही मस्जिद देखी, मीनार पाकिस्तान देखा, सारी ट्रेडिशनल चीज़ें देखी और इन्जॉय की। वरना मैं तो जब से पाकिस्तान आई थी मैं बच्चों को ऐसी जगहों पर लेके जाना चाह रही थी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा था। खैर, अच्छी बात यह है कि जाने से एक दिन पहले ही सही हमने बहुत सारी जगहें विज़िट कर ली, और बस उसके बाद जो है ना कवाली की बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें आ रही थी, तो हम लोग फिर नीचे गए तो बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ था, और वहाँ पे तंदूरी चाय भी मिल रही थी। मैंने क्योंकि कुल्फ़ी खाई थी उससे पहले, तो इसलिए तंदूरी चाय मैंने नहीं पी, लेकिन बाद में मैं यही सोच रही थी कि पी ही लेती, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। और भी इतनी अच्छी अच्छी मज़े की चीज़ें थी वहाँ पे खाने पीने की, लेकिन एक टाइम पे एक ही चीज़ खा सकते थे। हम लोग 5 बजे निकले थे घर से और अभी रात के कोई 11 बज रहे थे, तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छे से बच्चों ने भी इंजॉय किया। तो स्पेशल थैंक्स टू मिस शाजिया खुरम, मिस नरजिस ज़ाहरा एंड मिस शाजिया मुस्तफ़ा, जिन्होंने टाइम निकाला और इतने अच्छे तरीके से इतनी अच्छी कंपनी के साथ हमें इतना कुछ दिखाया, घुमाया फिराया। आप में से जब भी कोई लाहौर जाए तो 4th Street ज़रूर विज़िट करें, इट वर्थ इट। और बस ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।